तो भाई 12:30 बज रहे हैं और बस मैं अभी आया हूँ, रेडी हो गया, नीचे कॉफ़ी पी रहा हूँ यार। और बस अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं माइसन सेंचुरी। एक घंटे का रास्ता दिखा रहा है, 41 किलोमीटर है और एक घंटा लगेगा। तो चलते हैं और देख के आते हैं यार कैसी है। रिव्यूज़ तो अच्छे हैं तो वहीं जाके पता चलेगा। एक्चुअली यहाँ से टूर भी निकला है, अभी निकला है बस कुछ 12 बजे। तो वो टूर तो नहीं लिया मैंने, मैं स्कूटी रेंट करूँगा और स्कूटी पर चलेंगे, क्योंकि टूर तो आएगा शाम को 6 या 7 बजे। तो तब तक हम क्या करेंगे वहाँ पे, एक घंटे का रास्ता है, दो घंटे आसपास वहाँ लगेंगे और एक घंटे में वापस आ जाएंगे, मतलब 4, 4:30, 5 बजे तक वापस आ जाएंगे। फिर बीच चलेंगे, यहाँ का जो फेमस बीच है आन बांग बीच। तो ठीक है यार, अभी बस कॉफ़ी ख़त्म करता हूँ फटाफट और मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी। अभी फ़िलहाल के नज़ारे तो ये हैं भाई, डिस्टेंस के हिसाब से स्कूटी मिली है यहाँ पे 2.5 लाख डोंग लगे हैं यहाँ से, क्योंकि 50 किलोमीटर दूर जाना है 40 किलोमीटर। तो ये स्कूटी मिली है, हॉस्टल से ही मिली है एक्चुअली। और जैसे कि आप देख रहे हो, ओके। तो भाई यहाँ से हमें एक घंटा लग ही जाएगा पहुँचने में, वो माइसन सेंचुरी 41 किलोमीटर है। फ्यूल भी भरवा लिया मैंने, पीछे ही फ्यूल स्टेशन था, तो जिसे स्कूटी रेंट करी है उसी से पूछ लिया था कितना भरवाऊँ, तो उसने कहा था 30,000 का भरवा दो, मतलब 100 रुपये के आसपास का आना जाना हो जाएगा। 41 किलोमीटर है और एक घंटा दिखा रहा है पूरा, तो सही जा रहे हैं वैसे, मेरे को लगा गलत जा रहे हैं। तो अभी जैसे ही यहाँ से थोड़ा विलेज से बाहर निकलता हूँ तो नज़ारे दिखाता हूँ आपको, क्योंकि अभी थोड़ा ट्रैफिक है तो ज़्यादा बेटर है कैमरा अंदर ही रख लेता हूँ यार। मौसम ठीक हो गया है, ज़्यादा तो नहीं, बादल थोड़े से ही आए हैं बस, और अभी भी 15 किलोमीटर के आसपास बचा है भाई, आधा घंटा और लगेगा शायद, क्योंकि ये वाले रूट की रोड्स अगर आप देखो तो उतनी अच्छी नहीं है जितनी जब हम बाकी जगहों पे थे। तो भाई फाइनली हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, वेलकम टू माइसन सेंचुरी, और फ्री पार्किंग का बोर्ड है यहाँ पे, कैफ़े एंड रेस्टोरेंट गणेशा। ठीक है यार, स्कूटर पार्क करते हैं यहाँ पे और एक बार चेक करते हैं कि खुला है कि नहीं खुला, और मिलता हूँ आपसे टिकट काउंटर पे पहुँच के। हम यहाँ पे टिकट लेनी है अब, जो कि 1.5 लाख डोंग की टिकट है। आई होप ये जाने दे यार, हम लेट ना हो। तो टिकट काउंटर सामने बोरा, तो चलते हैं यार फटाफट और टिकट लेते हैं और देखते हैं कि कैसा है ये। एक घंटा लगा एग्जैक्ट बाइक पे, पूरा एक घंटा लगा, 42 किलोमीटर्स था। तो आई गेस टिकट तो मिल रही है, ये भी ले रहे हैं। थैंक यू, we are getting the tickets, right? Yeah, okay. This is it. I like that. Is that GoPro? Yeah, GoPro. Yeah, I like that. It's a 360, right? Yeah, that's right. I'm using this little DJ Hat thing. One ticket? Yes. 150, okay. जैसे कि यहाँ देख रहे हो आप, 150,000 की टिकट है, टिकट मिल चुकी है यारी, और बस चेंज लेना है उनसे। What time the park close? At 5 we finish sell tickets and you can come back here before 6. Before 6, okay, yes. Okay. Yeah. So is it good for sunset? Yes. Okay, thank you. That's so great.
तो भाई एक्चुअली 5 बजे तक खुला होता है वो, लोकल जो थे वो पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों बोला मेरे को कि आप लेट हो गए हो, 2 बजे तो बंद हो जाता है, जबकि ऑनलाइन भी 5 बजे शो कर रहा था, टिकट भी दे दी और साथ में मैप भी दे दिया है। तो बस चलते हैं अंदर और देखते हैं एक बारी कैसा एक्सपीरियंस रहता है यहाँ का। थैंक यू। 1.5 लाख डोंग मतलब 450 रुपये हो गए यार, है ना? हाँ, 450 रुपये हो गए। तो 450 रुपये में ऐसा क्या है यहाँ पे? इन्होंने मैप दिया एक्चुअली वैली ऑफ डिविनिटी एंड आर्ट, तो ये पूरा इन्होंने ऐसे मैप दिया है भाई। ओवरव्यू ऑफ माय सन्स लोकेशन हिस्ट्री एंड कल्चर। आओ यार देखते हैं। तो 5 बजे तक एक्चुअली टिकट का टाइम है, लेकिन 6 बजे तक हम यहाँ पे घूम सकते हैं पार्क में। अच्छी बात है, कोई जल्दबाजी नहीं है। बहुत टाइम है अभी, 3 घंटे हैं। और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये बना हुआ है। पर रोड नीचे ही जा रही है, तो ये स्टेयर्स बनी हुई है यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो। और ये कुछ इस तरीके से साइड बनी हुई है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये रही भाई सीढ़ियाँ, और वहाँ पे इसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं एक्चुअली। जैसे कि आप ये पढ़ पा रहे हो, 13th century माइसन वर्ल्ड हेरिटेज नॉम ग्रुप एच। मेरे को ये नहीं पता भाई इसका क्या पर्पस है, बट ये बिल्कुल शिवलिंग की तरह है जैसे कि आप देख रहे हो। चलो इसी बात पे, हर हर महादेव।
आई गेस इसकी डिटेल्स और सामने बोर्ड लगा हुआ है तो वहाँ देखते हैं एक बारी इस जगह के बारे में। और आगे एक और है तो भाई ये है 7th से 13th सेंचुरी और नाम इसका ग्रुप BCD करके है। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्ट द टू बिलीव्स इन गॉड शिवा लिंग एंड शिवा स्टैचूज। तो ये टेंपल एक्चुअली ये पूरा का पूरा वो शिवलिंग लग नहीं रहा था वो शिवलिंग ही था। कुछ इस तरीके से आगे चलते हैं यार भाई और देखते हैं आगे क्या है। एक वहां पे भी बोर्ड है उसको भी पढ़ते हैं एक बारी। The Italian contribution in my son. यहाँ एक छोटा सा बोर्ड है यार देखते हैं उस पर क्या लिखा है। और आगे चलते हैं। एक ये बना हुआ है यहाँ पे छोटा सा और कुछ इस तरीके से रास्ता है। आई गेस आगे जाने का रास्ता नहीं है वो भी वापस ही आ रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घास उगी होगी तो रास्ता नहीं होगा जाने का। बट एक्चुअली जो बड़ा बोर्ड था कि कौन सा ग्रुप है ये वो यहाँ पे नहीं लगाया हुआ इन्होंने। शटल गार्ड ने तो बिल्कुल ही बाहर छोड़ दिया हमें बिल्कुल। और जैसे कि आप देखो मेरे पीछे यहाँ पे और ये एक्चुअली
सोवेनियर शॉप है जो कि शायद बंद कर दी है, कोई है नहीं। और जो आसपास छोटी शॉप थी वो भी सारी बंद कर दी है। चलो एनीवे, तो बहुत शोर आ रहा है यहाँ पे। एक्चुअली हम पहुँच गए हैं आनबांग बीच, यहाँ का जो काफ़ी फेमस बीच है होयान का, और सुना है मैंने काफ़ी सुंदर है। तो आओ देखते हैं यार, हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है भाई। कुछ नहीं पता होता मौसम का यहाँ पे, एकदम से धूप एकदम से बादल ही बादल आ गए। आई गेस अभी 5:30 बज रहे हैं और थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पे यार और मज़े लेते हैं। तेज हो गई बारिश, सारे भाग रहे हैं भाई। बड़े अच्छे टाइम पे आए हैं हम। कोई नहीं, यहाँ इसके नीचे बैठेंगे शेड के। अरे ऑलरेडी तो गीले हो। तो भाई ये है बीच के नज़ारे, और एक्चुअली काफ़ी सुंदर बीच है, पानी भी काफ़ी साफ़ है। तो थोड़ी सी बारिश रुकती है तो थोड़ा आगे चलेंगे और मिलता हूँ यार आपसे बहुत जल्दी। क्या कर सकते हैं इसका, तो कुछ नहीं कर सकते। आपके सामने है भाई, अभी रास्ते में इतनी धूप थी एकदम से बादल आ गए। चलो मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी यार, थोड़ा शांत हो जाइए। और एक्चुअली में ये शायद सनसेट बीच है, बट अभी तो कोई चांस नहीं है, तो वेट करते हैं यार। उनके तो कुछ ऐसे हाल हैं जैसे कि आप देख रहे हो। थोड़ा आगे चलते हैं अब। यस, मैंने वहाँ पे कुछ नहीं छोड़ा। ओके, तो एक मैंने यार ये लिया है यहाँ से, जैसे आप देख रहे हो हैप्पी बुद्धा, वो सामने ही हैं, वो दे रहे हैं। तो कितने 1.5 लाख मांग रहे थे, 30,000 रुपये में मिला है 100 रुपये का, मतलब ये मार्बल से बना हुआ है। ठीक है यार, बाकी एक्चुअली में बीच काफ़ी सुंदर है, मौसम साफ़ हो गया जैसे कि आप देख रहे हो। ऐसे ही है भाई, एकदम से बारिश हुई एकदम से साफ़ हो गया। इस साइड अभी भी है वैसे काफ़ी बादल, और बीच तो भाई कुछ इस तरीके से है और सुंदर है, साफ है यार। ज़्यादा भीड़ भी नहीं है और चलते हैं बस पानी के अंदर और देखते हैं कैसा रहता है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा कैश एटीएम से निकाला था और फ़ोन भी है, अब रखूं कहाँ ये समझ नहीं आ रहा। और टॉवल तो मैं लेके नहीं आया हूँ, बट उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो पानी में जाऊँगा बाहर निकलूँगा तो वैसे ही सूख ही जाऊँगा, नहीं तो हॉस्टल पहुँच के एक बार शॉवर ले लूँगा। यहाँ पे भी आप देख रहे हो सर्फिंग बोर्ड 1/2 आवर 1 आवर के प्राइजेस, बॉडी बोर्ड और ये सारी चीज़ें भी यहाँ होती हैं आई गेस, लेकिन अभी कोई कर नहीं रहा है। बारिश तो रुक गई है यार और मौसम भी साफ़ हो ही गया है जैसे कि आप देख रहे हो। और फिलहाल के भाई ये नज़ारे हैं, तो बस मैं भी बस जा ही रहा हूँ पानी में और सामान यहीं रख दूँगा अपना, जहाँ बैठा हूँ यहीं पे, और थोड़ा सा 10-15 मिनट अंदर चलते हैं और फिर आ जाएंगे वापस।
निकल रहे हैं बस। तो बस भाई यहाँ से निकल रहा हूँ, अब हॉस्टल जा रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ का तो हो गया, आई गेस 6 बज रहे हैं और 10 मिनट में अंधेरा भी हो जाएगा। एक्चुअली पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया है, तो पहुँचता हूँ हॉस्टल और फटाफट शावर लेता हूँ और फिर कल का देखते हैं एक बारी जाके। पेट्रोल ख़त्म हो गया स्कूटी का, तो ये खड़ी स्कूटी भाई पीछे, और अभी किसी से हेल्प ली है। वो सामने ही शॉप है जहाँ से पेट्रोल मिलेगा, तो वो बाइक पे थे तो वो भी लेने गए हैं पेट्रोल। तो भाई लोग तो अच्छे हैं, आके खुद नहीं रुकेंगे, आप रुकोगे और उनसे हेल्प मांगोगे तो वो बिल्कुल हेल्प करेंगे आपकी। तो 5-10 मिनट वेट करना पड़ेगा, पता नहीं भरवाया तो था भाई, पूरा गए हैं इतना दूर तक और पूरा फुल टैंक हो चुका था। कितना चलाया हमने स्कूटी को, 41 80 किलोमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर यहाँ मान लो 90 किलोमीटर में पूरा टैंक खाली हो गया। अब पता नहीं भाई कैसे, तो कोई बात नहीं भाई देखते हैं। अभी बस वो आ रहे हैं और स्टार्ट करेंगे और चलेंगे हॉस्टल। यार 6:10 हो गए हैं और अंधेरा ऑलमोस्ट होने ही वाला है। तो ये भाई आ गए हैं और थैंक यू सो मच, यू हेल्प मी। थैंक यू। हॉस्टल पहुंच गया हूं और अब बस स्कूटी रिटर्न कर देता हूं इनको अभी, क्योंकि वैसे भी 9 बजे तक का टाइम है फिलहाल, तो कुछ ऐसा है। जैसे कि आप देख रहे हो पूल खेल रहे हैं लोग और यहां बैठे हैं चिल कर रहे हैं, तो बाकी तो कुछ इस तरीके से। तो चलते हैं यार फटाफट और रूम में चेंज करके फटाफट आते हैं नीचे और देखते हैं रात का क्या सीन बनता है आज का। दोबारा तो नहीं जाना चाहूँगा मैं टाइगर, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना भी है, तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कि थोड़ा जल्दी सो जाऊँगा, तो नीचे 11 बजे तक यहाँ पे बंद हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी 11 बजे सो के सुबह जल्दी से जल्दी उठ जाऊँ। तो भाई ये था यहाँ का पैचो, बड़ा गंदा था। शांति शांति शांति। तो भाई ये था यहाँ का फ्री शॉट और ये पूरा माहौल है पीछे से आप देख रहे हो। यार हॉस्टल का यही फ़ायदा है, मैं हमेशा ये सजेस्ट करूँगा कि कभी भी आओ तो हॉस्टल में ही रुको, क्योंकि आप बहुत लोगों को मिलोगे, बहुत लोगों को जानोगे और अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। तो अभी तो मैं पूल खेल रहा हूँ भाई भाई के साथ में, तो और अभी टाइम एग्जैक्टली जो हो रहा है वो 8:30 बज रहे हैं। देखते हैं आगे का सीन है, मिलता हूँ आपको बहुत जल्दी।